सो आज डिस्कशन करने वाले हैं दान का हिसाब कहानी का क्वेश्चन आंसर। तो ये है उसका सारांश, ठीक है। आप बुक भी पढ़ सकते हो और ये सारांश भी पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ सकते हो उन दोनों में से आपको समझ आ जाएगा कि ये कहानी किस बारे में है और ये कहानी में किसके बारे में और क्या क्या कहा गया है, क्या वर्णित किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्टली शब्दार्थ के पास। ये रहा शब्दार्थ। पहला शब्द लकदक। लकदक मीन्स भड़कीला या फिर महंगा। देन वक्त यानी कि समय। नामी लोग यानी कि प्रसिद्ध लोग। खबर यानी कि समाचार। दिवालिया जिसके पास एक भी पैसा ना हो। प्रकोप यानी कि कहर। गुहार लगाई यानी कि किसी की प्रार्थना की। रकम यानी कि रुपए या फिर पैसा। लोभी लालची होना। हुक्म किसी को आदेश देना। मुक्त कर दीजिए यानी कि स्वतंत्र कर दीजिए। लाचार होकर यानी कि मजबूर होकर, ठीक है। सो अब डिस्कशन करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ये हिंदी का चैप्टर 7 है जिसका नाम है दान का हिसाब। क्लास 4 का है, NCERT कोर्स का है। सो चलिए देखते हैं। पहला आ गया कहानी से क नंबर। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसीलिए वो किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। देन ख नंबर। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वे राजा से बहुत डरते थे और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं राजा कहीं उन्हें कोई बड़ी दंड ना दे बैठे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? सो राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका सत्कार बिल्कुल भी नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर है, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होते, इसीलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने बहुत छोटी रकम उसे समझ बैठा। नेक्स्ट, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उनके खजाने से 10 लाख खजाने से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राज को बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। अंदाज अपना अपना। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अंदाज अपना अपना। तो तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? चलो देखते हैं। पूछा गया है पहला, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि मैं बोलूँगा इसको दान के समय में वो कंजूसी करने लगते थे। नेक्स्ट, आपको अगर कुछ और लगे जिस तरीके से आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन इसी का मतलब यही एक ही आना चाहिए। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। नेक्स्ट है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो आंसर है, सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जिसे धन का सागर हो। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि राजकोष में धन के सागर मानो लाखों रुपये मौजूद है। साथी हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ झलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं, सॉरी गलती से पढ़ ली, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। सो फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख में मरने लगते हैं। ऐसे में समय में ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत
होती है। सो तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूँगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएँगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। देन हम डिस्कशन करेंगे जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो यहाँ पर दिया गया है, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी? पहला, मंत्री। मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसकी सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त भी करता है। नेक्स्ट, भंडारी। भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वो राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वो लेन देन भी करता है। देन करण जैसा दानी। इसके अंदर क्या हमें पूछा गया है? सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। वह बहुत दानी थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अपना सब कुछ दान में दे देने वाले बहुत दानी। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, दान क्या होता है? जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ किराए में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं और कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं और कुछ लोग अपने लिए पुण्य कमाने के लिए भी दान करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ और कोई वजह सूझ आए तो आप लिख सकते हैं। देन कहानी और तुम। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारा घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्र, मनोरंजन और महलों की सजावट पर करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वह खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी, गैस, टेलीफोन, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। नेक्स्ट सवाल, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? देन क्वेश्चन पूछा गया है, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंद को काम कम से कम 10,000 रुपये दे दे जिससे वह अपना पेट भर सके। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, और यह क्यों भी बताना है? मेरे विचार में तो राजा बिल्कुल ही गलत थे, क्योंकि राजा जिस देश पर शासन करते हैं उसके सभी लोग उसकी प्रजा हैं। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो गलत रास्ते पर है। देन नेक्स्ट सवाल, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीक़ों से लोगों की सहायता कर सकते था? लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था और अस्पताल भी बनवा सकता था। देन पूर्व और पूर्व, देन देखते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो पूर्व शब्द के दो अर्थ है, एक पूर्व का अर्थ दिशा और पूर्व यानी कि पहले। सही है, तो इसी ऐसे ही कुछ शब्द हमें दिए गए हैं जिसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमें पहला दिया गया है जल। पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। सब्जी जल गई। ठीक है, नेक्स्ट मन। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, ये एक अर्थ में हुआ। और तौल कर बताओ कि इस बोरे में कितना मन चावल है। तो ये नाप का हिसाब से यहाँ पर व्यवहार की गई है। देन मगर, वह आया मगर तुरंत चला गया। और नेक्स्ट और एक अर्थ से लिखेंगे तो पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मगर एक पशु है।
देन नेक्स्ट सवाल, नीचे चार दिशाओं के नाम लिखे हैं तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास, इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो मेरे घर और उसके आसपास कौन सी दिशा में क्या है मैं भर चुकी हूँ, और आपके घर और आपके स्कूल के आसपास कौन से दिशा में क्या है वो आप लोग भर लीजिए, ठीक है। देन यहीं पर ख़त्म होती है ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी, और आपको किन टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच।